हेलो एवरीवन, टाइनी सीड्स में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ ऐसी 15 अच्छी आदतें जो आपको अपने बच्चे में डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर ऑलरेडी आपके बच्चे में ये डेवलप हो चुकी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके बच्चे में कितनी आदतें डेवलप हो चुकी है। ग्रीट ईच अदर इन एवरी मॉर्निंग। बच्चा जैसे ही आई कॉन्टैक्ट देना या बोलना शुरू करता है, उसी समय से हमें अपने बच्चों में एक दूसरे को विश करने की अच्छी हैबिट डेवलप करने की ज़रूरत होती है। ब्रशिंग ट्वाइस अ डे। डेंटल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस पेरेंट्स, दांत और मसूड़ों की समस्या से बचाए रखने के लिए हमें अपने बच्चों को शुरू से ही दो बार ब्रश करने की आदत डालना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठकर और रात को खाना खाने के बाद मेक श्योर कि आपका बच्चा ब्रश जरूर करें। बाथिंग एवरी डे। ये आदत बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कोई सा भी मौसम हो, आप अपने बच्चे में रोज़ नहलाने की आदत को डेवलप कीजिए। इससे उसकी पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन रहेगी और बच्चा बीमारियों से भी बचा रहेगा। हैंड वॉश। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को खाना खाने से पहले, वॉशरूम यूज़ करने के बाद और बाहर से खेल कर आने के बाद हाथ धोना ज़रूरी है। तो पेरेंट्स, अगर आप अपने बच्चे में ये आदत बचपन से ही डेवलप कर देते हैं तो ये उनकी अच्छी आदत तो बनेगी, उनको कई बीमारियों से भी बचा सकती हैं। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। बच्चे को उचित मात्रा में पानी पिलाने की आदत को डेवलप करना बहुत ज़रूरी रहता है, ताकि आगे जाके हम अपने बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचा सकें, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से रख सकें और बच्चे की त्वचा भी पानी पीने से बहुत साफ रहती है और बहुत सारी बीमारियों का निवारण पानी ही होता है। मेंटेन हेल्दी फूड हैबिट्स। पेरेंट्स, ये आपके हाथ में है कि आपने अपने बच्चे में अच्छा खाना खाने की आदत को कैसे डेवलप करना है। जैसे ही बच्चा आपका खाना खाने शुरू करता है, उसी समय से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे को आप जंक फूड से थोड़ा दूर रखें और हेल्दी फूड की तरफ उसका इंटरेस्ट बढ़ाएं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़। डियर पेरेंट्स, मेक श्योर कि आपका बच्चा फिजिकल एक्सरसाइजेस, योगा या आउटडोर गेम ज़रूर खेले, ताकि उसका मानसिक और शारीरिक विकास अच्छे से हो सके। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। डियर पेरेंट्स, ये आदत हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए बचपन से ही आप अपने बच्चे को जल्दी सोने की और जल्दी उठने की आदत को डेवलप कर दीजिए, ताकि बच्चा आगे जाकर पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन को अच्छे से फॉलो कर सके। हाउस होल्ड चोर्स। डियर पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को घर के छोटे छोटे कामों में हेल्प करना ज़रूर सिखाएं। ऐसा करने से बच्चा बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट भी बनता है और एक दूसरे की भावनाओं को भी समझता है, परिवार में चल रहे दुख सुख को भी बहुत जल्दी समझने की कोशिश करता है। तो ये बहुत ही अच्छी आदत है जो आपको अपने बच्चे में डेवलप करने की ज़रूरत है। ग्रेटिट्यूड। डियर पेरेंट्स, हमें अपने बच्चों को कुछ ऐसे सेंटेंसेस या वर्ड सिखाने की बहुत ज़रूरत है जिसमें वो किसी का भी आभार व्यक्त करना सीख जाए। जैसे सॉरी, वेलकम, थैंक यू, ये छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ कैसे और कहाँ करना है, ये आप अपने बच्चे को ज़रूर सिखाइए, ताकि ये बच्चों की अच्छी आदत बन सके। शेयरिंग इज केयरिंग। बच्चे के सोशल स्किल्स को डेवलप करने के लिए शेयरिंग इज केयरिंग की आदत को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और पेरेंट्स, आप इस आदत को कैसे डेवलप करें? जैसे अगर आपके बच्चे के साथ कोई फ्रेंड खेल रहा है या उसका छोटा या बड़ा भाई बहन खेल रहा है, तो वो टॉयज़ को शेयर कर सकता है, खाने को शेयर कर सकता है, जो उसके पास चीज़ें हैं उसको वो शेयर कर सकता है। आप अपने साथ उसको शेयरिंग करना सिखाइए। ऐसा करने से वो शेयरिंग की तो उसके अंदर आदत आएगी और एक दूसरे की वो केयर करना भी ऑटो में ही सीख जाएगा। फैमिली टाइम। इस आदत को आप इस तरीके से अपने बच्चे में डेवलप कर सकते हैं। आप 3 टाइम के खाने में से 1 टाइम का खाना फिक्स कीजिए, या तो लंच या तो डिनर, और पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाइए और उस समय आप अपनी दिनचर्या के बारे में एक दूसरे के साथ ज़रूर डिस्कस कीजिए। ऐसा करने से बच्चा आपकी भावनाओं को अच्छे से समझेगा, आपके इमोशंस की कदर करेगा और आगे जाकर उसकी ये अच्छी आदत बन सकती है। टेलिंग द ट्रुथ। इस आदत को बच्चे के अंदर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है और आगे जाके इस आदत से ये फ़ायदा हो सकता है कि जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से छुपाना शुरू कर देते हैं। अगर आपने ये आदत बच्चे के अंदर बचपन से ही डेवलप कर दी तो आपके साथ वो कभी भी झूठ नहीं बोल पाएगा।
बच्चा अच्छे से और पेट भर कर खाना खाए, ये हर माँ बाप का सपना होता है। इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे ही बच्चा खाना खाने सीखता है उसी समय ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बच्चे में टेबल मैनर्स की हैबिट को डेवलप करें। और ऐसा करने से बच्चा खाना भी अच्छे से खाएगा, उसका पेट भी भरा रहेगा और आगे जाकर उसकी ये बहुत अच्छी आदत बन सकती है। स्टे ऑर्गेनाइज्ड, बच्चे को अपने सामान की केयर करना सिखाना बहुत ज़रूरी है। आप इस आदत को बच्चे में इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बच्चे को जब टॉयज़ खेलने के लिए दिए, आफ्टर प्लेइंग बच्चे को बोलो कि वो जितने भी टॉयज़ उसने खेले हैं उनको दोबारा से रिप्लेस करेगा। इसी तरीके से जब बच्चा पढ़ता है, पढ़ने के बाद सारी बुक्स को ऑर्गेनाइज़ करना और रिप्लेस करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये छोटी छोटी आदतें बचपन में ही सीख लेता है तो आगे जाकर डेफिनेटली आपका बच्चा वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन बनकर ही निकलेगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।